Good morning, students. Today I am going to start a new poem from your Beehive textbook. Name of the poem is No Men Are Foreign, written by James Cricker. Today I am just going to deliver about the poet, the main theme of the poem, and a brief summary of this poem. So first of all, about the poet. James Falconer Cricker, born on 23rd April 1981. And he died at 10th May 2009. Born James Harold Cricker was an English poet, translator and travel writer. He wrote over 30 books, including autobiographies, novels and play. अब यहाँ हम इस poem की जो main theme है, जो यहाँ पे हमें poet कहना चाहते हैं, वो क्या है, हम देखते हैं. In the poem, No Men Are Foreign, the poet is expressing a wonderful thought. The whole world is one. यहाँ पर जो poet है, ये इस poem के माध्यम से हमें क्या एक message convey करना चाहते हैं, एक बहुत ही beautiful एक विचार उनका, जो बहुत अच्छा सा एक विचार जो यहाँ पर सबके साथ वो express कर रहे हैं, वो है कि पूरा जो world है, पूरी जो दुनिया है, वो एक है. The whole world is one. According to the place on the earth, one is born. There is bound to be difference in the appearance, language and lifestyle. अब ये इंसान है, उन्होंने क्या करा है, अपने जन्म स्थान के हिसाब से, according to the place of the earth, इस धरती पे जहाँ हम जन्मे हैं, हमने अपने आप के अंदर डिफ्रेंशिएट कर लिए, हमारे रहन सहन में डिफ्रेंशिएट आ गया, अपीयरेंस हमारा अलग हो गया. क्योंकि हम ये कह सकते हैं, हमने साइंस में भी देखा होगा कि सोशल क्लाइमेटीज हमारे अपीयरेंस में, हमारे फिजिकल अपीयरेंस में बहुत डिफरेंशिएट होता है. हम दिखने में अलग होते हैं, हमारे पोशाकें अलग होती है, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से हम अलग कपड़े पहनते हैं, और हमारी लैंग्वेज हमारे स्टेट के, हमारे कंट्री के हिसाब से हम बोलते हैं, और हमारी लाइफस्टाइल भी बिल्कुल हमारे हिसाब से, हमारे प्लेस के हिसाब से, जहाँ हमारा बर्थ हुआ उस हिसाब से हमारे लैंग्वेज या लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो जाती है. बट देयर इज़ अ कॉमन एलिमेंट इन एवरी ह्यूमन बीइंग एंड दैट इज लव. और सारे इंसानों के बीच में एक कॉमन थिंग, वो है प्रेम. वो क्या है, आपसी प्रेम. ये सबके बीच में एक जैसा है, कॉमन. कहीं भी वो जन्मा हो, कहीं भी वो बड़ा हुआ हो, मगर वो प्रेम की जो भावना है आपस में, वो क्या करती है, आपको बांध के रखती है. ही इज़ एडवोकेटिंग अ लाइफ विदाउट बैरियर्स. और हमें क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे पोएट, कि अगर हमें लाइफ को बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना किसी हर्डल्स के, बिना किसी परेशानियों के जीना है, तो ये एक ही चीज़ है, एक सिंगल एलिमेंट है हमारी लाइफ का, दैट इज लव. अब यहाँ पे एक और थीम यहाँ पे पोएट ने बताई है, वो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड. यानी सारा जो विश्व है, ब्रह्मांड है, वो हम आपस में हमें कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, भाईचारे के साथ हमें सबको एक साथ बन के रहना चाहिए. We are the children of the same father who is God. हम सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं. Therefore, we are the citizens of our mother. इसीलिए हम हमारे धरती माँ के एक नागरिक हैं. So we should not divide ourselves by the boundaries of our countries. और हम कौन होते हैं इंसान, अपने आप को इस boundaries या सीमा से अपने आप को अलग करने वाले. अब एक और थीम यहाँ पे जो है इंटरनेशनलिज्म. द वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली. और इंटरनेशनलिज्म, जितने भी हमारे कंट्रीज नहीं, आउट ऑफ अदर कंट्रीज से भी हमारे जो हैं संबंध कैसे होने चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए. द वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली. पूरी दुनिया एक परिवार की तरह रहना चाहिए. इट टेंड्स टू डेस्टिमेट मैन मेड बैरियर्स दैट स्टैंड बिटवीन वन नेशन एंड अदर. और हम आपस में मतभेद कर रहे हैं, कंट्री वाइज भी, और अगर इंटरनेशनली अगर हम देखें, तो यहाँ भी हमारे बहुत सारे मैन मेड, इंसानों द्वारा बने हुए इतने सारे बैरियर्स है, इतनी सारी परेशानियां हैं. इससे क्या हो रहा है, हम एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भी आपस में हमने डिस्टेंस बना लिया है. By having an international outlook, men and women will enjoy equal status. अब अगर हमने इंटरनेशनली अपने आप को एक मान लिया, एकजुट कर लिया, तो हमारे जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी परेशानियां, वो शायद सॉल्व हो जाएगी, और हम एक जैसे स्टेटस सबकी एक जैसे हो जाएंगे. कोई फाइनेंशियली पावरफुल नहीं होगा, कोई किसी भी तरह से अपने आप को स्टेटस वाइज बड़ा नहीं बता सकता. सब इक्वल हो जाएंगे अगर हमने अपने अंदर यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाली फीलिंग डेवलप कर ली है. यही इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं. तो यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रीफ समरी है इस पोएम की. द पोएम इज़ अबाउट ब्रदरहुड and harmonious existence without discrimination, geographical, socially and economical. यहाँ इस poem में यही main theme है इस poem की, कि वो क्या बता रहे हैं, universal brotherhood, harmonious existence, मतलब बिना किसी भेदभाव के, without any discrimination, किसी भी discrimination के बिना, geographical यानी किसी भी
कंट्री के बाउंड्रीज के बिना सोशली, सामाजिक तरह से, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल स्टेटस से, किसी भी तरह से कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें नहीं करना है. द पोएट सेज दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज द सेम, वॉट एवर क्लोथ्स वी आर वी मे वेयर. सारे इंसान एक जैसे, चाहे कैसे भी पोशाक हम पहने. वी वॉक ऑन द सेम लैंड, एक ही जगह हम चलते हैं. ऑल्सो गेट बरीड हियर, और हाँ, मरने के बाद भी यहीं दफन किए जाते हैं. आर बायोरिदम इज द सेम, वी वेक अप एंड वर्क इन द सेम वे. हम एक जैसे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी सबके अंदर एक जैसे हैं. हम उठते हैं, दिन भर काम करते हैं. द पोएट एम्फेसिस दैट द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट सस्टेन लाइफ इज लव, विच इज रिकग्नाइज एंड अंडरस्टूड बाई एवरी लिविंग बींग. और एक मेन चीज़ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट थिंग जो कह रहे हैं लाइफ को मेनटेन करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो है विच इज रिकग्नाइज एंड अंडरस्टूड बाई एवरी ह्यूमन बींग, दैट इज द लव हियर. अफेक्शन, हमें आपस में प्रेम, सद्भावना एक दूसरे के प्रति. द पोएट इज कॉशनिंग अस अगेंस्ट फाइटिंग विद ईच अदर और गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स टू फाइट. हमें पोएट यहाँ पे एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमें ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, या किसी को देख के हमें ये सीखना नहीं है कि हमें लड़ना है. फॉर इफ वी डू सो वी आर बिट्रेइंग एंड कंडेमिंग अवरसेल्व्स इन द प्रोसेस. अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने ही फ्यूचर के लिए, अपने ही सामने बहुत बड़ी रुकावट हम खड़ा कर रहे हैं, हम खुद अपने ही पतन का कारण बन रहे हैं. ही कंक्लूड्स बाई टेलिंग अस दैट आवर एक्शंस डिफाइल द अर्थ एंड आउटरेज द इनोसेंस ऑफ द एयर दैट इज आवर ओन. फॉर नो मैन आर फॉरिन एंड द होल वर्ल्ड इज वन. अब यहाँ पे पोइट यही कंक्लूड कर रहे हैं इस पोएट्री में, पोएम में कह रहे हैं कि हमारे ही जो एक्शंस, हमारे ही जो कार्य है इस धरती को, इस धरती की इतनी खूबसूरती जो है, उसकी इतनी मासूमियत जो है, हम खराब कर रहे हैं. ये हमारे ही हाथ में है. इट्स इन आवर ओन हैंड्स हाउ टू मेक आवर सेल्फ फील. हमें यही अपने आप को समझाना है, अपने आप को यही हमें मान के चलना है, तभी हम अपने आप का प्रोग्रेस कर सकते हैं. कि नो मैन आर फॉरेन, तो कोई भी व्यक्ति आपके लिए पराया नहीं है, विदेशी नहीं है. सारे, पूरी दुनिया आपके लिए अपनी है. होल वर्ल्ड इज वन. ये सब, हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं या संतान हैं, हम कह सकते हैं. ऑल ऑफ अस एज अ सेम फादर, वी आर बॉर्न विद द सेम फादर, सो वी हैव टू हैव द यूनिवर्सल ब्रदरहुड इन आवर सेल्फ. यही यहाँ पे पोयम में पोएट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं. हम स्टैंड्स वाइज एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.